प्रशांत यादव सनी ने कंकड़ वाली पहुंचकर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। प्रशांत यादव सनी को सुनने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखा गया। प्रशांत यादव सनी ने भारी भीड़ देखकर लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि मैं आप लोगों के बीच 16 सितंबर को हुड्डा ग्राउंड रैली में पहुंचने के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। आप सभी को रैली में पहुंचना है। आप सभी रैली में पहुंचकर मुझे आशीर्वाद दें। रैली में दुनिया नेताओं को आमंत्रित करती है। मैं आप सभी को रैली के लिए आमंत्रित करने आया हूं। मुझे नेताओं की जगह आपकी जरूरत है और मैं रैली में किसी भी नेता को नहीं बुला रहा हूं। रेलवे फाटक पर अंडरपास पुल को लेकर उन्होंने कहा कि आप लोगों को फाटक पार करने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और नेताओं द्वारा आप लोगों को झूठे वादे दिए जाते हैं और अंडरपास पुल बनाने की बात करते हैं। अब समय आ चुका है चुनाव में सबक सिखाना है। मीटिंग का इकट्ठे होने का एक मतलब, एक तात्पर्य है। मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करने आया। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतांत्रिक देश में अगर आपने कोई समाज सेवा के लिए काम करना है, आपने अपने इलाके के देश और विकास, अपने इलाके के लिए विकास करना है, तो आपने राजनीति का रास्ता चुनना पड़ता है। राजनीति के रास्ते से ही आप अपने इलाके का विकास कर सकते हैं। राजनीति के रास्ते को अपनाने के लिए 16 सितंबर को इंकलाब रैली का आयोजन किया गया है। इसका निमंत्रण देने के लिए मैं आप सबके बीच में पहुंचा हूं। आप सब इतनी भारी मात्रा में एकत्रित हुए, आप सब यहां इकट्ठा हुए, आपका हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमने सबने किसी ना किसी राजनेता की वोट दी। मैं भी किसी ना किसी राजनेता के आज तक वोट देते आया हूं, परंतु बहुत आघात पहुंचता है दिल को जब हमारी जिस मुद्दे पर हमसे वोट ली जाती है और उस मुद्दे को भूलकर अपने स्कूल कॉलेज, अपने पेट्रोल पंप, अपनी गैस एजेंसी की तरफ आदमी ध्यान दे देता है, वो मंत्री ध्यान दे देता है। हमारे इस इलाके की सबसे बड़ी मांग डबल फाटक पे अंडरपास की है। आज की आज कांचों में लटकी हुई है। फिर दोबारा चुनाव आएगा, आपको बहकाया जाएगा, हमें बहकाया जाएगा। अगर हम आपकी इस मांग को पूरा करेंगे, ये पार्टी नहीं पकड़ा, ये हम करेंगे। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब तक हम अपने बीच का एक व्यक्ति नहीं चुनेंगे, हम अपने साथी को एक नहीं चुनेंगे, जब तक चाहे अंडरपास की बात हो, चाहे हमारे कॉलोनी में सड़क सीवर की बात हो, चाहे हमारे शहर में बढ़ते हुए अपराध की बात हो, हम चाहे कहीं भी चले जाए, जब तक कोई शिक्षा और बेरोजगारी, जब तक हम नहीं रोजगार हम नहीं देंगे, बेरोजगारी हम दूर नहीं करेंगे, जब तक हम शिक्षा नहीं बढ़ाएंगे, देश की उन्नति और शहर के विकास के बारे में हम नहीं। रेवाड़ी से You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications.